ना वी आर गोइंग टू डिस्कस रिटेल बजटिंग प्रोसेस बजटिंग क्या होती है अभी हमने डिस्कस किया अब कौन से प्रोसेस स्टेप्स हैं विच आर द प्रिलिमनरी स्टेप्स विच आर द ऑन गोइंग स्टेप्स कौन कौन से ऐसे डिसीजनस हैं जो ऑन गोइंग रहेंगे कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमने इनिशियल लेवल के ऊपर उसकी बेसिस सेट कर देनी है तो हम इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ देट विल रियली हेल्प इन गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल प्रोसेस तो सबसे पहले हमारे पास ये एक पिक्टोरियल इमेज uh, है ऑफ रिटेल बजटिंग प्रोसेस तो दो तरह के डिसीजन्स की मैंने बात की प्रीलिमिनरी बजटिंग डिसीजंस की और ऑनगोइंग गोइंग बजटिंग प्रोसेस के हवाले से सबसे पहले जब हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी बजट डिसीजन्स के ऊपर इनिशियल बजट डिसीजंस के ऊपर तो वो कौन कौन से डिसीजन हैं जो एक रिटेलर प्लान करता है वो उसमें सबसे पहले ये है कि हु विल डेवलप द बजट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन बजट को डेवलप करेगा ये फर्स्ट आपको स्टेप के ऊपर यू हैव टू डिफ़ाइन फिर उसके बाद दूसरी बात जो आपको डिफाइन करनी है वो बजट के टाइम फ्रेम्स डिसाइड करने हैं कब स्टार्ट होगा कौन से स्टेज के ऊपर होगा कब उसका एंड टाइम होगा एंड वेन वुड बी द फाइनल प्रेजेंटेशन टू द टॉप मैनेजमेंट ड्राफ्ट वन वैन बी द ड्राफ्ट टू वैन विल बी द फाइनल ड्राफ्ट तो बजटिंग का टाइम फ्रेम नॉर्मली शेयर किया जाता है सेकेंड स्टेप के ऊपर फिर थर्ड लेवल के ऊपर जो बात है हाउ ऑफन आर बजट प्लान क्या ये बजट जो है दे आर फॉर ट्वेल्व मंथ्स दे आर फॉर सिक्स मंथस दे आर फॉर क्वार्टर सो कितनी फ्रीक्वेंसी से कितना ऑफन आप अपने बजट को प्लान करते हैं दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द इनिशियल बजटिंग डिसीजन फोर्थ पाथ वट कॉस्ट कैटेगरीज आर यूज कौन सी फिक्स कैटेगरीज है कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है कौन सी फिक्स कॉस्ट है तमाम तरह की कॉस्ट कैटेगरीज और जिस जिस तरह की कॉस्ट कैटेगरीज आप इंक्लूड करना चाहते हैं दे आर एक्चुअली डिस्कस्ड हेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फिर फिफ्थ लेवल के ऊपर जो फिफ्थ पॉइंट डिस्कशन है वो दैट इज वट लेवल ऑफ डिटेल इज यूज वो बजटिंग प्रोसेस जो है वो लेवल वन के ऊपर विच इज द टॉप लाइन के ऊपर खत्म हो जाएगा या एक्चुअली there विल be ड्रिल डाउन information, बैकअप डॉक्यूमेंट्स appendices फॉर एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट एवरी सिंगल पॉइंट तो किस डेप्थ में वो बजट बनना है वो डेप्थ जो है वो डिफाइन कर दी जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन लेट से मुझे कहा गया क्रीटेलर ने डिसाइड किया कि आपने मार्केटिंग का बजट देना है एंड आई सेड फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड मिलियन तो अब दिस इज डेबल वन लेवल टू कि इसके कौन कौन से हड्स हैं फिर उन हेड्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं फिर उन एक्टिविटीज किस किस ड्यूरेशन के अंदर किस किस टाइम के अंदर किस किस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली और उसका बेनिफिशरी कौन सो ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस स्टेप तो आपको डिफाइन करना है कि मैं किस लेवल ऑफ डिटेल मुझे यूज करनी है इस बजटिंग प्रोसेस के अंदर फिर नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है हाउ फ्लेक्सिबल आर द बजट क्या वी विल बी रिलीजियस इनफ कि हम उसको रिलीजियसली उस बजट को फॉलो करेंगे या हम कहेंगे कि नहीं देर आर सम फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल इन बजट कोई दजटे प्लस माइनसिस मौजूद हैं तो ये वो सिक्स प्रिलिमिनरी डिसीजन हैं इनिशियल बजटिंग डिसीजन हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं कौन कौन से ऑन गोइंग बजट प्रोसेस के डिसीजन हैं उसमें सबसे पहले बजट के गोल्स हैं परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स हैं के हैं कौन कौन से प्लान एक्सपेंडिचर्स हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स क्या हैं रिजल्ट्स को मॉनिटर करना और फिर उसमें एडजस्टमेंट्स लेकर आना जो भी चेंजेस हैं वो लेकर आना और दोबारा फिर उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना फ़ॉर एग्जांपल अगर एक्स बजट uh, बना है किसी चीज़ के हवाले से उसमें कोई चेंजेस आई हैं प्लान कुछ किया था एक्चुअल कुछ गैप आया मॉनिटर किया रिज़ल्ट को और फिर उसमें एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसको दोबारा से हमने पाइपलाइन के अंदर प्रोसेस के अंदर डाल दिया तो ये वो स्टेप्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम गोल अप टिल दिस लास्ट स्टेप ऑफ एडजस्टमेंट ये ऑन गोइंग बजट के प्रोसेस हैं इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आती रहती हैं बजट के क्या बेनिफिट्स हैं ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है बजटिंग प्रोसेस के अंदर तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंडिचर्स आर रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नॉर्मली इन जनरल परसेप्शन ये है कि एक्सपेंडिचर्स प्लान करने का मतलब यह है कि जो जो आपकी विशलिस्ट है दैट शुड बी दार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन योर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस शुड बी इन रिलेशन टू द एक्सपेंडिचर्स जो बजटेड किए जा रहे हैं या प्लान किए जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग एक्सपेंडिचर तो प्लान कर रहे हैं एक्स परसेंटेज एक्स वैल्यू का लेकिन उसके अगेंस्ट जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली बिल्कुल जीरो और बिल्कुल माइनर तो बिल्कुल भी उसकी एफिकेसी जो है वो नहीं होगी सेकेंड बेनिफिट जो है दैट इज कॉस्ट कैन भी एडजस्टेड एज गोल्स आर रिवाइज जैसे जैसे चेंजेस आती रहेंगी क्योंकि गोल्स ऑन गोइंग प्रोसेस का हिस्सा थे तो ऑन गोइंग चेंजेस आती रहेंगी जब चेंज आएंगी तो कॉस्ट बजट भी रिवाइज हो जाएगा अगर मेरे वो सेल्स रेवेन्यूज अचीव नहीं हो रहे हैं एज ए रिटेलर तो आई विड रिड्यूस माई एच आर कॉस्ट आई विड रिड्यूज माई ऑपरेशन कॉस्ट तो मुझे तमाम तरह की कॉस्ट को एडजस्ट करना है फिर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू द राइट एरियाज अगेन वन ऑफ द बेनिफिट्स ये है कि जो हर हर बात से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है तो जो रिसोर्स एलोकेशन रिक्वायर्ड है दैट इज एक्चुअली डन थ्रू दिस बजटिंग प्रोसेस फिर स्पेंडिंग इज कोऑर्डिनेटेड व्हाट्स एवर आर स्पेंडिंग इट इज एक्चुअली इन कोऑर्डिनेशन और व्हाट्सू एवर यू आर डूइंग और व्हाट्सू एवर यू आर डिलीवरिंग तो अगर इन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन तभी मुमकिन होगी जब एक बजटिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा फिर बजटिंग प्रोसेस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड एंड इंटीग्रेटेड एक्टिविटी इसके अंदर जो प्लानिंग है वो हर लिहाज से स्ट्रक्चर्ड uh, है सबके नॉलेज में है अलाइंट है और उसमें गैप आने से आना जो है वो ज़रा uh, कम मुमकिन है कम पॉसिबिलिटी उसकी है फिर बजटिंग के अंदर वन ऑफ द की थिंग्स जो आप सेट करते हैं दैट इज सेटिंग द कॉस्ट स्टैंडर्ड्स और कॉस्ट स्टैंडर्ड को सेट करने से ये होता है कि आप पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एज ए रिटेलर आपके टीम ट्रैवल करना चाहती है तो यू कैन रियली से कि मुझे अगर कोई मैनेजमेंट लेवल का स्टाफ ट्रैवल करेगा तो दिस वुड बी द कॉस्ट स्टैंडर्ड इतने वैल्यू के इतनी कॉस्ट के होटल में स्टे कर सकेगा और अगर कोई मिडिल मैनेजमेंट का जाता है स्टाफ तो उसके लिए क्या बेनिफिट होगा उसकी क्या कॉस्ट कंपनी को आ रही होगी और अगर कोई लोअर मैनेजमेंट का स्टाफ होगा तो उसकी क्या कॉस्ट होगी तो कॉस्ट स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं बजटिंग प्रोसेस के अंदर फिर जो एक्सपेंडिचर्स हैं दे आर मोनिटर्ड ड्यूरिंग अ बजट साइकिल जिस तरह मैंने बताया कि इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस बजटिंग एंड से ले स्टार्ट से लेकर एंड तक टिल दी एडजस्टमेंट्स आप करते रहते हैं तो इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस तो इस पूरे बजट साइकिल के अंदर एक्सपेंसिज एक्सपेंडिचर्स मोनिटर होते रहते हैं तो एक अच्छी पिक्चर रिटेलर जो है उसके लिए क्रिएट होती है राधा देन के उसको ईयर एंड के ऊपर सरप्राइज मिले दैन जो नेक्स्ट वन ऑफ द की बेनिफिट्स है दैट इज प्लान बजटेड एक्चुअल बजट कैन भी कम्पेयर मैंने क्या प्लान किया मैंने क्या अचीव किया दैट इज कम्पेरेबल जब आपके पास आपके पास कोई बजट मौजूद होगा अगर वो नहीं है देन ऑफ कोर्स आप यू विल बी इन वीक पोजीशन और फिर लास्ट बात लास्ट बेनिफिट वन वन ऑफ ऑफ द द बेनिफिट्स में से कॉस्ट परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द इंडस्ट्री एवरेज आपने बजट सेट किया नॉर्मली बहुत की बात है कि जब बजट सेट किए जाते हैं वो सेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री एवरेज ऑल्सो रादर के ओनली द विश लिस्ट ऑफ द मैनेजर्स इट इज ऑल्सो डेवेलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ कि इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करिए जिस इंडस्ट्री में जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में आई एम डीलिंग उसका बेंच क्या है तो वो बेंच देखते हुए यू सेट योर कॉस्ट के बेंच मार्क्स यू सेट योर परफॉर्मेंस के बेंच और अकॉर्डिंगली उन रिजल्ट को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं तो जो प्रिलिमिनरी इनिशियल बजटिंग डिसीजन थे उसमें स्पेसिफाई करना है हमने बजट अथॉरिटी को जिस तरह मैंने बताया कि टाइम डिफाइन करनी है तो बजट अथॉरिटी किसके पास होगी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फिर क्या टाइम फ्रेम होगा बजट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कितना फ्रीक्वेंटली आप बजट बना रहे होंगे बजट को रिव्यू कर रहे होंगे मंथली होगा क्वार्टरली होगा सिक्स मंथ्स होगा एनअली होगा कॉस्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी किस किस लेवल के ऊपर आपको डेप्थ चाहिए डेफिनेशन चाहिए और लास्ट में आपके बजट के अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी क्या प्रोविजन आपने क्रिएट की हुई हैं इसको आगे लेके चलने के लिए इसमें एडजस्टमेंट्स लाने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट कैटेगरीज इन्वॉल्व है जिसके अंदर चार तरह की कैटेगरीज हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे आपके आपके फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी हैं आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी है और आपकी नेशनल अकाउंट कॉस्ट कौन कौन सी है तो वो तमाम चीज़ें आप बजट के अंदर कवर करते हैं अपने जब हम बात करेंगे कॉस्ट कैटेगरीज के हवाले से इन तमाम कैटेगरीज के अंदर उनको पार्क करेंगे बजट प्रोसेस में उनको बिल्कुल ठीक तरीके से रिव्यू किया जा सके तो ऑनगोइंग बजट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो ऑनगोइंग प्रोसेस में स्टार्टिंग फ्रॉम गोल कि आपने क्या गोल सेट किया आपने कैसे परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया आपने कहाँ-कहाँ एडजस्टमेंट्स की और एडजस्टमेंट्स के बाद दोबारा क्या इंप्लीमेंट किया तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट विच इज सेटिंग ऑफ द गोल

और अगर एक बजटिंग प्रोसेस को ठीक तरीके से ऑनेस्टली तरीके से फॉलो किया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी डेवलपमेंट टिल दी एडजस्टमेंट्स एंड देन रिवाइवल ऑफ़ इट तो ट्रू स्पिरिट के साथ एक रिटेलर अपने प्रॉफिटेबिलिटी, अपने मार्जिनस को सिक्योर कर सकता है और एक बेहतर पोजिशन में आ सकता है